उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। गौरतलब है कि एक लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा था। लड़की के भाई ने जब इसका विरोध किया तो दोनों में झड़प हो गई और लड़की के भाई ने आरोपी लड़के को पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। झड़प के बाद आरोपी लड़का अपने घर पहुंचा और वहां से कार लेकर वापस पीड़िता के घर आया। जैसे ही लड़की के घर वाले बाहर निकले, आरोपी ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान लड़की पक्ष की दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। ये वारदात NH 91 से लगे नए गांव चांदपुर की है। आरोप है कि गांव में रहने वाले एक परिवार की लड़की से गांव के एक दबंग पक्ष के लड़के नकुल ने छेड़छाड़ की, जिस पर लड़की के भाई ने मौके पर ही आरोपी लड़के को पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया और परिवार ने लड़की के साथ हुई घटना का जमकर विरोध किया। सरेआम बेइज्जती के बाद आरोपी लड़का वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा और अपनी कार लेकर वापस लड़की के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही लड़की के परिवार वाले खाने के बाद घर से बाहर निकले, तभी आरोपी उन पर गाड़ी लेकर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वारदात वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि पहले पीड़ित पक्ष ने घटना को एक दुर्घटना बताया था। उनके अनुरोध पर ही रात में दोनों मृत महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। अब पीड़ित पक्ष घटना के पीछे की वजह छेड़छाड़ बता रहा है। इस बात को तहरीर में देकर अब जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चारों घायलों का उपचार बुलंदशहर जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार का घर पुराने NH 91 पर ही है। लड़की पक्ष की मृत महिलाओं की पहचान लड़की की माँ संतो और चाची उर्मिला के रूप में हुई है, जबकि लड़की का भाई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। लड़की पक्ष की दो महिलाओं की मौत के बाद पीड़ित परिवार का आक्रोश भड़क गया, जिसके चलते पीड़ित परिवार के लोगों ने दोनों शव ओल्ड NH 91 पर रखकर जाम लगा दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर तनाव अभी बरकरार है। आरोपी नकुल फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।